अज साडा कलेश गवांडियां नाल दुकानदारां नाल बाजार नाल कचहरियां दे विच सब किते सानू मारां पैरियां ने लड़ाइयां ने झगड़े ने क्यों एक नहीं आ जे एक हो जाइए सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे सारे कलेश खत्म हो जाएंगे सब कलेश की जिहड़ी थां है ना वो यही है कि असीं गुरु दे नालों टुटे हुए हां गुरु दे नालों असी बेमुख होएगा। बाबा कबीर साहब जी ने बड़े सोहने बचन आके कह लगे महाराज आरा चल जावे कोई मुश्किलात नहीं पर तू मुख फेर लवे ये बहुत वड्डी मुश्किल है क्योंकि साडा जेड़ा जीवन खड़ा है वो अखा जीवा विसरे मर जाओ ये सिखी का सिद्धांत है प्यारियो ये सिखी की नींह है अखा जीवा विसरे मर जाओ। सिख कौम दे उते ऐसे हालात आए ने उन्हानू खाना विसर गया उन्हानू सोना विसर गया उन्हानू काम विसर गए जायदाद विसर गई परिवार विसर गया पर परमात्मा नहीं विसरिया। ते ए कौम चारे पासे तो जुल्म होण दे बावजूद भी बच गई क्यों एक दा सहारा सी एक नहीं विसरिया क्योंकि गुरु की बाणी कहती है जो तुम आखते हो ना उदो जिंदे हो जो तुम परमात्मा के आसरे हो जाते हो ना दुनिया की सारी ताकत तुहाडे उत्ते जोर ला लवे कि इन्हों खत्म कर देना है वह मुका नहीं सकती पर जो सारी कायनात तुहानू बचाउण दे उत्ते आवे ते तुसी अपने धुरे तो विछड़े होवो दूर होवो ते सारी कायनात भी तुहानू बचा नहीं सकती। ये साडा सिखी का सिद्धांत सी असी हर समय उस चीज नू अपने साडे बजुर्गां ने वड्डे वडेरियां ने अपने जीवन दे विच उतार के रखिया आखा जीवा विसरे मर जाओ उन्होंने घर छड़ दिते परिवार छड़ दिते इथों तक के इस आखण दे पिछे उह चरखड़ियां दे उत्ते चढ़े। यही कहा गया सी ना कि तुसी विचार छड़ दिओ गुरु दे ख्याल छड़ दिओ सतसंगत की गल तुसां भुल के नहीं करनी। वह कहिंदे ने इंज लगता है जिवें तुसीं साडे तों प्राण मंग ले होण यही ते साडे प्राण ने असी प्राण दे सकदे आ पर असी गुरु दे बचन नहीं दे सकते ये गुरु दे बचन ने ते गुरु दे बचन गुर का बचन बसे जी नाले वह तो साडे अंदर वसदा है इहदा मतलब कि तुसी साडे तों साडे प्राण मंगी जा रहे हो साडे तों गुरु दे बचन मंगी जा रहे हो कि तुसी सानू गुरु दे बचन दे दिओ असी तुहानू जीवन दे देंगे। ते उन्हां दा किरदार देखो किड्डा वड्डा सी उन्होंने गुरु का बचन नहीं दिता अपने प्राण दे दिते ते असी गुरु का बचन नहीं मन्निया प्राण बचा ले ने इस जीवन नू असी जीवन मानते हाँ इस जीवन नू ओ गुरसिख मौत मानते सन आखा जीवा विसरे मर जाओ अज विसरिया होया इसे करके साडा सुतिया पे अमृत वेला गुजर जाता है अज सानू विसरिया होया। मैं अगे भी एक बार बेनती की है कि बंदे दे हाथ दे विचो मोबाइल छुट जावे ते बंदे नू पछतावा हुंदा कै पर सत संगत मिस हो जावे छुट जावे अमृत वेला विसर जावे बंदे नू कोई पछतावा बंदा कहिंदा कोई गल नहीं कल कर लांगे डजंट मैटर तां की हो गया हद हो गई है एक ओ चीज जेड़ी जिन जिदी उस नाम दे अगे कोई वैल्यू नहीं ओ बंदे दे अतो छुटदी है ते बंदे दे मन अंदर अफसोस है ते बंदिया परमात्मा ने तेनू एडे कीमती सुवास दिते ने बंदगी करन वास्ते ए समा दिता गया ते तू परमात्मा नू भुल गया। फिर मेरी बेनती नू सुनियो कोई बंदा तुहानू प्यार दे नाल रुमाल दे दिंदा है ना वो रुमाल जेड़ा रुमाल सारा पिंडा भी साफ नहीं कर सकता वो रुमाल जेड़ा सारा पिंडा भी साफ नहीं कर सकता वो रुमाल जिदे अगे खलो के आखिए जी साडे दुख दूर हो जाण नहीं कर सकता जिदे अगे हाथ जोड़ के आखिए सानू सुख मिल जावे नहीं दे सकता पर वो रुमाल दी करामात की है कोई प्रेम दे नाल तुहानू दवे ते तुसी उसनू घर अंदर रख लो
जदों ही तुहाडी निगाह उस रुमाल दे उत्ते पवेगी तुहानूं उस देण वाले दी याद जरूर आवेगी कि फलाने ने दिता है, पर यह शरीर मेरे वाहिगुरु जी ने दिता, सवास वाहिगुरु जी ने दिते ने, हाथ वाहिगुरु जी ने दिते ने, कदी याद ही नहीं आती। दिता हुआ रुमाल सानू बंदा याद करा देता है कि फलाने बंदे ने दिता आया, उन्हूं वेखदिया सारी याद आ जाती है दिमाग के अंदर कि फलाने बंदे ने सानू रुमाल दिता गए, पर यह शरीर वाहिगुरु ने दिता, सवास वाहिगुरु ने दिते, घर वाहिगुरु ने दिता, मकान वाहिगुरु ने दिता, दुकान वाहिगुरु ने दिती, सानू कदी याद ही नहीं आती कि यह भी दाता ओदियां ने। किड्डी वड्डी साढ़े अंदर जिन्हों कहीए कि बंदा परमात्मा दे नालो इतना ज़्यादा टुट चुका है, इतना ज़्यादा टुट चुका है। फिर मेरी बेनती नू प्रेम नाल सुनियो, कुत्ता अखां दे नाल वेखदा कै, उहदे भी अख ने, उहदे भी जुबान है, उहदे भी दंद ने, उहदे भी कन ने, पर देखो कुत्ता कदी सिनेमे नहीं जांदा, कुत्ता कदी थिएटर दे विच नहीं जांदा, कुत्ता कदी सोंग नहीं सुनता, कुत्ता कदी दारू नहीं पींदा। असी पी जाने, असी घूमी भी जाने, असी मन मर्जी भी करते हैं, हद हो गई है। फिर साडे नालों ते कुत्ता चंगा है, साडे नालों ते कुत्ता चंगा है। कम से कम वह ऐसा हरकतां ते नहीं करता जिन्हां दे नाल मनुखता शर्मसार होवे, जिथे जाके सानू नमोशी का सामना करना पवे। महाराज कहते ने पशु मिले चंगी आईया, इस करके गुरबाणी ने आख्या कि पशु भाई चंगे ने। क्यों चंगे ने? क्योंकि वह शराब नहीं पीते, वह किसी की निंदा नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते। पशु साढ़े नालों अच्छे ने, असी पशुआं दे नालों भी गिर गए हाँ। आओ गुरु सवारियो, गिरन का कारण ही केवल एक ही है, आखा जीवा विसरे मर जाओ। साहब की बाणी जिथों असी आरंभता की सी, साडा इत्थे बहण दा इको एक मकसद है, वह मकसद की है? दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख त्यागने ने ते सुख कर लैके जाने ने। सुख ताई घर अंदर आउणगे, आखा जीवा विसरे मर जाओ। जदों साडे अंदर गुरु की बाणी, गुरु के बचन हिरदे दे विच वस जाणगे, गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै पा न सके जाले। आओ गुरु प्यारियो, साहब जी के चरण कमलों के विच अरदास बेनती जोतड़ी करिए कि महाराज कृपा रहमत करनी, साडे जीवन नू एक सुचारू सोच देनी, अपनी संगत दे विच साडे जीवन नू टिका के रखना, तां जो असी इस संगत दे विचों कुछ सीख सकीए, क्योंकि वाहिगुरु जी ने सानू ये जीवन सीखण दे लई दिता है। मेरे मालक जी साडे सरबत दी हाजरी अपने घर प्रवान करन, साहब जी दे घर दीआं अगम्मी विचारां करदीआं पासों बेअंत बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां गलतियां त्रुटियां रह गईआं गोवणगीआं, गुरु अते गुरु दी संगत बख्शण योग है, असीस बख्शणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।